लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए केस की समाअत महकमे दाखिला और जेल हुकाम ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं को 30 दिन के लिए नज़रबंद किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक कहिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए केस की समाअत हुई है और इस मामले पर महकमा दाखला और जेल हुकाम ने जमा करवाई गई रिपोर्ट में ये कहा है कि तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं को 30 रोज के लिए नजरबंद किया गया है। शाह महमूद कुरैशी अटक जेल, असद उमर राजनपुर, उमर सरफराज सीमा को भक्कर जेल में नजरबंद किया गया है, वलीद इकबाल को लैया, आजम सवाती को रहीम यारहान और मुराद रास को डीजी हान जेल में नजरबंद किया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि मोहम्मद अहन मदनी को भावलपुर, आजम खान न्याजी और एहसन डोगर को लैया जेल में नजरबंद किया गया है। नजरबंदी के अहकाम डीसी लाहौर राफे हैदर ने जारी किए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आईजी जेल खाना की इजाजत के बाद 77 रहनुमा अफराध को पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल भी कर दिया गया है। तो कुछ ही देर बाद दरख्वास्त गुजारों के वकला की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे, जिसके बाद अदालत आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। बहुत शुक्रिया आपका।